हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में फिर से। के बाद आज हम लोग जानेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में कि बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है और इसका हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बर्नौली इक्वेशन जो है मेनली एनर्जी बेस्ड इक्वेशन है। वो एनर्जी किसका है? तो लिक्विड का। मेनली जो एनर्जी होता है लिक्विड में वो ड्यू टू मोशन के कारण क्रिएट होता है। तो जिसमें फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी और थर्ड है प्रेशर एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। अब फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग बचपन में जानते थे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कि पोजीशन के कारण जो मटेरियल में एनर्जी क्रिएट होती थी उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जो मोशन के कारण होता था वो होता था काइनेटिक एनर्जी, और जो प्रेशर के कारण एनर्जी क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो हम लोग प्रेशर एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। इट इज़ ए एनर्जी पोजेस्ड बाई अ लिक्विड पार्टिकल बाई अ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। मतलब कि पोजिशन के कारण जो एनर्जी बॉडी में स्टोर होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यदि धरती से किसी वस्तु का दूरी जेड मीटर है तो हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम जी क्या होता है? वेट, यानी डब्ल्यू एच। एच क्या है मेरा? जेड, तो हो जाएगा डब्ल्यू गुने जेड। ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ ए एनर्जी पोजेस्ड बाई अ लिक्विड पार्टिकल बाई अ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और वेलोसिटी। मतलब वैसा एनर्जी जो कि पार्टिकल में आता है उसके वेलोसिटी और मोशन कारण। जैसे में इफ अ लिक्विड पार्टिकल इज फ्लोइंग विथ अ मीन वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकेंड। यदि कोई लिक्विड पार्टिकल जो है वो वी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? वी स्क्वायर बटा टू जी। यदि कोई पार्टिकल वी मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? वी स्क्वायर बाई टू जी। और वेलोसिटी हेड जो हो जाएगा वो भी वी स्क्वायर बाई टू जी होगा। और इसका पोटेंशियल हेड देखा जाए, यदि कोई पोटेंशियल एनर्जी में जेड मीटर हाइट पे है तो उसका पोटेंशियल हेड कितना हो जाएगा? जेड मीटर। और काइनेटिक एनर्जी में यदि वी स्पीड से चल रहा है तो उसका वेलोसिटी हेड कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई टू जी। नेक्स्ट है प्रेशर एनर्जी ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल इन मोशन। यदि पार्टिकल मोशन में है तो प्रेशर एनर्जी कितना होगा? इफ द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ लिक्विड पार्टिकल बाई वर्च्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रेशर। मतलब उसमें जो प्रेशर है उसके कारण जो एनर्जी क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसको हम लोग प्रेशर एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल में इफ़ अ लिक्विड पार्टिकल इज अंडर प्रेशर ऑफ पी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट अपॉन एरिया। तो यहाँ से हम लोग फोर्स कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर गुने एरिया। एग्जाम्पल में यदि कोई पार्टिकल प्रेशर के अंडर में मूव कर रहा है जिसका वैल्यू है पी पास्कल, देन द प्रेशर एनर्जी कैसे लिखा जाएगा? प्रेशर एनर्जी विल बी P बटा W हम लोग लिखेंगे। वे आर W इज द स्पेसिफिक इन वेट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट कहिए या यूनिट वेट। ऐसे स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया वेट। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट गुने वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। यानी ये स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है तो हम लोग पार्टिकल का वेट कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ पार्टिकल बराबर है स्पेसिफिक वेट गुने इंटू वॉल्यूम। ये हो गया मेरा स्पेसिफिक वेट ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग एनर्जी के बारे में जान लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टोटल एनर्जी क्या होता है। अभी तो हम लोग देखें कि पार्टिकल यदि फ्लूइड का पार्टिकल यदि मोशन में है तो उसके अंदर तीन प्रकार के एनर्जी होता है। तो ये हो गया डब्ल्यू जेड, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू जी, ये हो गया पी बटा डब्ल्यू। अब हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में? हेड के फॉर्म में, यानी पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड। इसमें क्या था? पोटेंशियल हेड कितना हो जाएगा? जेड। इसमें वेलोसिटी हेड कितना था? या काइनेटिक हेड वी स्क्वायर बाई टू जी। ये हो गया प्रेशर एनर्जी पी बटा डब्ल्यू। तो हम लोग टोटल एनर्जी यदि हम लोग लिखें तो इसका हेड कितना था? जेड। और इसका वेलोसिटी हेड था वी स्क्वायर बटा टू जी, और प्रेशर हेड था मेरा पी बटा डब्ल्यू। ठीक, तो ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग मैथमेटिकली टोटल एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी हो गया। अब हम लोग देखते हैं टोटल हेड, सॉरी ये हो गया
टोटल हेड होगा ये, यदि हेड के फॉर्म में अभी हम लोग लिखे तो ये टोटल हेड हो जाएगा, और टोटल एनर्जी जो हम लोग लिखेंगे, टोटल एनर्जी वो भी इसी फॉर्म में लिखाएगा। तो टोटल एनर्जी बराबर ई हो गया, ये होगा जेड प्लस वी स्क्वायर बटा टू जी प्लस पी बटा डब्ल्यू ऑफ लिक्विड। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ये हो गया हेड के फॉर्म में और ये हो गया टोटल एनर्जी के फॉर्म में। अब हम लोग इतना जानने के बाद हम लोग बर्नौली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन होता क्या है। इट स्टेट दैट, इसका स्टेटमेंट ऐसे है, फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, स्टेटमेंट इसका है फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन सेम वाइल द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब है यदि परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हो, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड आप जानते ही हैं जिसका वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज नहीं हो, फॉर परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मतलब जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और जब वो कंटिन्यूस स्ट्रीम में फ्लो करे तो जो उसमें टोटल एनर्जी जो उसमें जनरेट होगा, टोटल एनर्जी क्या था मेरा, ये था टोटल एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा किसी भी सेक्शन पे। यानी जब कहने का मतलब है कि जब फ्लूइड का जो पार्टिकल है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर मूव करता हो, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, तो यहाँ पर यदि एनर्जी ई वन है तो यहाँ भी एनर्जी ई टू होगा, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया तो एनर्जी जो होगा टोटल एनर्जी वो सेम होगा। यानी जब कोई फ्लूइड पार्टिकल जब मोशन में हो तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करे तो उसका टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मेरा कितना था, ये था, तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस वी स्क्वायर बटे टू जी प्लस पी बटा डब्ल्यू बराबर कांस्टेंट। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया तो एनर्जी मेरा क्या है, कांस्टेंट, तो हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं जेड क्या है, जेड हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी, वी स्क्वायर बटा टू जी क्या है काइनेटिक एनर्जी, और पी बटा डब्ल्यू तो जानते ही हैं प्रेशर एनर्जी। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि आखिरकार आता कहाँ से है। हम लोग बर्नौली इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग एक पाइप का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो इसमें देख इसमें हम लोग को दिख रहा है कि ए ए वन ए ए डैस ए ए वन से ए डैस से ए वन डैस बी बी वन से बी डैस टू बी वन डैस, मतलब एक पाइप का हम लोग क्रॉस सेक्शन लिए जो है ए ए वन बी बी वन, सेक्शन जो है बहुत ही छोटा है जिसका लेंथ डेल एल वन हुआ है, इसका लेंथ होगा डेल एल टू। ए ए वन और ए डैस ए वन डैश जो सेक्शन है उसमें वाटर जो है ए ए से ए डैश ए वन डैश के तरफ आ रहा है, और बी बी वन जो सेक्शन है उसमें जो पानी है या फ्लूइड है वह बी बी वन से बी वन डैश बी वन बी डैश बी वन डैश की तरफ आ रहा है, मतलब दिख रहा है क्लियर हमको कि पानी का जो प्रेशर है वो दोनों अपोजिट है। तो हम लोग यदि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ऑटोमेटिक ये डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यदि लिखना चाहें तो पी वन मेरा हो जाएगा प्लस पी वन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस पी टू, यदि प्रेशर हम लोग लिखना चाहें तो। अब हम लोग एनर्जी डायग्राम सॉरी टोटल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक डेटम लाइन चाहिए जहाँ एनर्जी क्या होता है जीरो होता है, तो ये मेरा हो गया डेटम लाइन, ये हो गया सेंट्रल एक्सिस। अब यहाँ से इसका जो दूरी है ये हो गया जेड टू, और इसका जो दूरी है वो हो गया जेड वन, ये लाइन जो हो गया डेटम लाइन हो गया। यानी हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे जेड वन क्या है, जेड वन द हाइट ऑफ ए ए सेक्शन अबव द डेटम, पी वन प्रेशर एट ए ए वन, वी वन वी वन वेलोसिटी एट ए वन, ए वन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप ए ए वन। ठीक, तो इतना पे यदि हम लोग, और सिमिलरली जेड टू पी टू वी टू ए टू इस सेक्शन के लॉन्ग लिख सकते हैं। ध्यान देने की बात है यदि ये एक पाइप हम लेते हैं, यदि ये टेपर्ड पाइप भी है तो टेपर्ड पाइप के भी यदि हम लोग सेक्शन लेंगे तो प्रत्येक सेक्शन पे जो उसमें लिक्विड फ्लो करेगा उसका वेट इक्वल होगा, तो हम लोग वेट ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं, यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा। तो वेट ऑफ लिक्विड हम लोग लिखने के लिए जानते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड गुने वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट हम लोग मानते हैं कि W हो गया, और वॉल्यूम कैसे लिख लेंगे ए वन इंटू डेल वन, तो ए वन हो गया गुने डेल एल वन, ये मेरा क्या हो गया वॉल्यूम। वैसा ही W1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा W2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि W बराबर यानी वेट ऑफ लिक्विड बराबर स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड गुने ए वन इंटू डेल एल वन है,
यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 डेल L1 बराबर वेट ऑफ लिक्विड बटा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, इतना हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग A2 और डेल 2 बराबर लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों जगह यदि ये सेम है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड सेम है और वेट ऑफ लिक्विड भी सेम है, इसका मतलब क्या, दोनों जगह एरिया भी सेम होगा तभी ये पॉसिबल है, ठीक। ये मेरा एजम्पशन था शुरू स्टार्टिंग का। तब दोनों का वैल्यू जब सेम है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A1 डेल L1 बराबर A2 डेल L2, यानी दोनों का एरिया हम क्या लिख दिए, सेम, यानी A1 डेल 1 की जगह A2 डेल 2 भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग प्रेशर लिखना चाहें P1 की जगह, तो हम लोग प्रेशर कैसे लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर गुने एरिया, ये प्रेशर हो गया, सॉरी ये फोर्स हम लोग लिख लिए, प्रेशर गुने एरिया। यदि वर्क डन लिखा जाए कहाँ पर, इस सेक्शन के पास यानी ए के पास वर्क डन लिखा जाए, यानी वर्क डन एट सेक्शन AA, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस, तो फोर्स गुने हो जाएगा डिस्टेंस डेल, फोर्स क्या लिखे थे, पी गुने ए गुने डेल L1, एरिया कितना हो जाएगा A1। और उसी तरह यदि हम BB पर लिखे तो P2 गुने A2 इंटू डेल 2 हो जाएगा, और लोग जानते हैं कि A1 डेल 1 बराबर A2 डेल 2 होता है। तो ये हो गया वर्क डन एट सेक्शन AA, और वर्क डन एट सेक्शन BB पर लिखे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव है क्योंकि इस डायरेक्शन का पॉजिटिव लिए हैं, और वर्क डन एट सेक्शन BB पर हो जाएगा माइनस ऑफ P2, माइनस के लिए क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो माइनस ऑफ P2 गुने L2 गुने डेल L2, ये हो जाएगा वर्क डन एट सेक्शन BB। यदि नेट वर्क डन हम लिखना चाहें तो नेट वर्क डन के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे, तो नेट वर्क डन बराबर हो जाएगा P1 L1 डेल L1 जोड़ ऑफ माइनस ऑफ P2 A2 डेल L2, यानी लिख रहे हैं हम कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो हो जाएगा P1 A1 डेल L1 माइनस ऑफ P2 A2 डेल L2, ये हो गया मेरा क्या टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन। अब हम लोग जानते हैं कि A2, अब हम लोग जानते हैं कि A2 डेल 1 जो है वह A1 डेल 1 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से A1 डेल 1 और A2 डेल 2 को हम लोग बराबर यहाँ से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, जब स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड और यूनिट वेट, सॉरी वेट ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड दोनों का इक्वल है तो A2 डेल 2 और A1 डेल 2 डेल 1 भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P1 A1 डेल 1 माइनस ऑफ P2 A1 डेल 1, तो यहाँ से क्या होगा A1 डेल 1 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा P1 माइनस ऑफ P2, ठीक। हम A1 और डेल 1 कॉमन क्या किए, वर्क डन एट सेक्शन AA लिखे, फोर्स गुने डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस मेरा है डेल L1, तो डेल L1 लिखे, फोर्स क्या होता है प्रेशर गुने एरिया, तो यहाँ पर प्रेशर कितना था P1 और एरिया था A1, तो P1 गुने A1 गुने डेल L वैसे ही BB पर लिख दिए। अब BB सेक्शन पर निगेटिव के लिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट था, अब नेटवर्क डन के लिए हम दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद A1 डेल 1 और A2 डेल 2 बराबर है तो उसका वैल्यू पुट किए और A1 डेल 1 कॉमन लिए, ठीक। तो ये इक्वेशन मेरा बन गया नेटवर्क डन बराबर। अब हम लोग उतना करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी सेक्शन 1 और सेक्शन AA और सेक्शन BB पर क्या करेंगे हम लोग, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ये था मेरा क्या Z2, ये था मेरा Z1, यहाँ था मेरा V1 और यहाँ था मेरा V2, इधर डायरेक्शन तो यहाँ पे लिक्विड का डायरेक्शन इधर था, तो लोग लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, MgH होता है, तो यहाँ पे हाइट ये था मेरा डायटम, ये था मेरा डायटम लाइन जिसको DL कह रहे हैं, तो A के पास हाइट कितना है H जो है Z1 है और BB के पास Z2 है, तो Mg को हम लोग लिख सकते हैं W, जिसको हम लोग वेट बराबर क्या लिखते हैं, फोर्स बराबर Mg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लिखते हैं Mg, तो यहाँ हो जाएगा W इंटू H, ठीक। तब अब हम लिखेंगे कि पोटेंशियल लॉस ऑफ पोटेंशियल एट सेक्शन AA क्या हो जाएगा, W गुने Z1, और वैसे ही BB पर लिखेंगे तो हो जाएगा W गुने Z2, ठीक। ये हो गया पोटेंशियल एट AA और पोटेंशियल एट BB। अब हम लोग लॉस ऑफ पोटेंशियल लिखें, यानी टोटल लॉस ऑफ पोटेंशियल कितना हुआ सेक्शन AA और सेक्शन BB पर,
तो घटा देंगे, तो W बराबर जेड वन माइनस जेड टू। अब जेड वन पहले क्यों लेंगे, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है और इसका हाइट कम है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव घट यानी कि ज़्यादा से कम को घटाया जाता है, न कि कम से ज़्यादा घटाया जाता है। ये हो गया लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसे ही पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाकर यदि हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू वी टू स्क्वायर बटा टू जी माइनस ऑफ वी वन स्क्वायर बटा टू जी। तो टू जी बाहर आ जाएगा, तो डब्ल्यू बाई टू जी इंटू वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ वी वन स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यदि लिक्विड फ्लो कर रहा है मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ था, W इंटू जेड वन माइनस जेड टू प्लस W बटा यानी वेट ऑफ पार्टिकल बटा स्पेसिफिक वेट ऑफ पार्टिकल इंटू पी वन माइनस पी टू बराबर डब्ल्यू बटा टू जी इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। इतना हम लोग पोटेंशियल लिख चुके हैं और ये भी हम लोग यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। और पीछे जो है हम लोग का इक्वेशन आया था पीछे ए वन डेल एल वन बराबर डब्ल्यू इंटू सॉरी आया था मेरा पीछे इक्वेशन नेट वर्क डन बराबर आया था मेरा ए वन डेल एल वन इंटू पी वन माइनस ऑफ पी टू। और हम लोग जानते हैं कि ए वन डेल एल वन बराबर है मेरा वेट ऑफ लिक्विड पार्टिकल बटा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड पार्टिकल। यहाँ से हम लोग इतना लिख सकते हैं, वहाँ से ये आ गया नेट इक्वेशन मेरा इतना हो गया। यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा जेड वन प्लस वी वन स्क्वायर बटा टू जी प्लस पी वन बटा डब्ल्यू बराबर जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर बटा टू जी प्लस पी टू स्क्वायर बटा डब्ल्यू। यानी यदि हम दो को सेक्शन लिए तो वहाँ पर ऐसे हम लोग बर्नौली इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो मेरा सेक्शन था ए ए वन और बी बी सेक्शन था। अब आप लोग के दिमाग में हो सकता है डाउट आ रहा होगा कि डब्ल्यू ए वन डेल एल वन बराबर वेट डब्ल्यू बटा डब्ल्यू कैसे हो गया, तो वो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू नहीं है, वो जो है वेट ऑफ लिक्विड पार्टिकल बटा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड पार्टिकल है जिसको हम लिख रहे हैं डब्ल्यू बटा डब्ल्यू। इतना जो है ए वन डेल एल वन और ए टू डेल एल टू के बराबर है, जिसके हम लोग वैल्यू पुट किए होंगे। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, बताएं कैसा लगा।